भोजन कर लिया है, तो आराधना ने भोजन कर लिया है, मैं भोजन कर लिया है, वो दो क्रिया है, इसीलिए ये संयुक्त क्रिया है। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे नीलम पढ़ा, इसमें जो पढ़ा है सिर्फ एक ही क्रिया है, इसीलिए ये सामान्य क्रिया है। निष्ठा आई, इसमें आई ही एक क्रिया है और कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए ये सामान्य क्रिया है। राहुल खेला, राहुल खेला में जो खेला है वो सामान्य क्रिया हो गया क्योंकि ये एक ही क्रिया है। विशाल गया, जो गया है वो सामान्य क्रिया है क्योंकि ये भी एक ही क्रिया है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से आदि बनने से वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे दीपा की बेटी तुतली है, ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण ये सबसे जुड़कर बना है, इसीलिए ये नाम धातु क्रिया है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बना है, इसीलिए ये नाम धातु क्रिया है। बेटे ने बाप को का घर हथिया लिया है, इसमें जो हथिया है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बना है, इसीलिए ये नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को काम करने से प्रेरित कर रहा है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होता है। वैभवी ने बच्चे को दूध पिलवाया, तो वैभवी ने बच्चे को प्रेरित किया फिर दूध पिलवाया, ये तो वो बच्चा दूध ही नहीं पीता। मेनिका पूनम को पढ़ाती है, मेनिका जो है वो प्रेरित करती है पूनम को पढ़ाने में, इसीलिए जो पढ़ने में, इसीलिए भी ये प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे संजय ने देखकर निबंध लिखा है, तो इसमें जो देखकर है वो उसको पूर्व जो निबंध से है वो इसका जो पूर्व है वो देखकर है, तो जो निबंध संजय ने ऐसे ही नहीं लिखा है, उसने देखकर लिखा है, इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया है। सविता ने कविता पढ़कर सुनाई, जो ये पढ़कर है वो पूर्वकालिक होगा क्योंकि जो ये सुनाई से पूर्व आ गया, इसीलिए ये पूर्वकालिक क्रिया है। मूल धातु के साथ कर अथवा करके प्रयोग करके पूर्वकालिक क्रिया बनती है। आइए हम कृदंत क्रिया के बारे में जानते हैं। चल, लिख, पढ़ आदि मूल धातु है, इनके साथ ता, ना, कर आदि प्रत्यय लगकर क्रिया बनते हैं। ऐसी क्रियाएं को कृदंत क्रियाएं कहलाती है। जो क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय, यानी कि इंग्लिश में हम इसे सफिक्स भी कहते हैं, लगाकर बनती है, उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, इसमें ना जुड़ गया है, इसीलिए ये कृदंत क्रिया है। चलता, तो ये जो ता जो है वो जो ये है वो हाँ जो ता है वो